गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 13 बस की यात्रा, इसकी हम रिवीजन करेंगे और इसके जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करेंगे। ये लेसन तुम्हें पढ़ाया भी जा चुका है, समझाया जा चुका है और इसके प्रश्न उत्तर भी करवाए जा चुके हैं, फिर भी अपने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। पाठ तीसरा बस की यात्रा, इसके रचयिता है हरिशंकर परसाई। पाठ परिचय, प्रस्तुत पाठ सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा एक व्यंग्य है। इसमें लेखक ने यातायात की दुर्व्यवस्था पर क्या किया है, व्यंग्य किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि किस प्रकार बस मालिकों का ध्यान केवल धन कमाने पर ही होता है, उन्हें यात्रियों के जान माल व सुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रहता। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया ऐसा जैसा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें से हम बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। शीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया तो हम बियाबान में ही इसकी अंत्योष्टि करनी पड़ेगी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिसल कर बैठ गया, वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते ही फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना क्या है, दुर्लभ है, कठिन है। अब हम इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसमें पहला है बहुविकल्पीय, प्रश्न उत्तर। इसमें प्रश्न नंबर 1, लेखक ने बस को बताया है, लेखक ने बस को बताया है, इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? पूजा के योग्य, पूजा के योग्य। अब प्रश्न उत्तर 2 है, प्रश्न नंबर 2, लेखक ने बस के हिस्सेदार को देखा, इसका उत्तर है श्रद्धा के भाव से। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक के अनुसार बस कंपनी के हिस्सेदार को होना चाहिए था। इसका उत्तर है क्रांतिकारी आंदोलन का नेता।
प्रश्न नंबर 4, लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी? इसका उत्तर होगा बच्चों, लेखक ने लोगों को सलाह दी कि इस शाम वाली बस से सफ़र न करें। बच्चों अब हम इसके बचे हुए प्रश्न आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों प्रश्न नंबर 5, बस को देखकर लेखक के मन में क्या भाव जागे? इसका उत्तर होगा बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा उसे बस बैठने के नहीं पूजा के योग्य लगी। प्रश्न नंबर 6, लेखक द्वारा कंपनी के हिस्सेदार को किस आधार पर क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होने योग्य माना? इसका उत्तर है बच्चों, हिस्सेदार को पता था कि कोई भी जानलेवा दुर्घटना हो सकती थी, फिर भी वह उस बस से यात्रा कर रहा था इसलिए लेखक ने उस पर
व्यंग्य किया। कि वह पैसे बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। अब देख लो बच्चों एक बार फिर प्रश्न नंबर 5। बस को देखकर लेखक के मन में क्या भाव जागे? इसका उत्तर होगा, बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। उस बस बैठने के योग्य नहीं, पूजा के योग्य लगी। प्रश्न नंबर 6। लेखक द्वारा कंपनी के हिस्सेदार को किस आधार पर क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होने योग्य माना? इसका उत्तर होगा, हिस्सेदार को पता था कि कोई भी जानलेवा दुर्घटना हो सकती थी, फिर भी वह उस बस से यात्रा कर रहा था। इसलिए लेखक ने उस पर व्यंग्य किया कि वह पैसे बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। तो बच्चों तुम अपनी हिंदी वाले रजिस्टर में इसे साफ साफ राइटिंग में कर लेना और इस अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद भी कर लेना। धन्यवाद।